पिछले दो हफ्तों से लगातार हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है। वो 613 एमजीडी की जगह 513 एमजीडी पानी दे रहे हैं। Amid worsening water crisis in Delhi, Water Minister Atishi on Friday went on indefinite fast at Bhogal Jangpura in protest against the Haryana government's failure in releasing Delhi's share of water. On Wednesday, the minister wrote to Prime Minister Narendra Modi seeking his intervention in the ongoing water shortage faced by Delhi. Atishi had warned to go for a strike if the situation is not resolved in a couple of days. And she did. She had alleged that the Haryana government has failed to supply Delhi's share of water, which is 613 MGD of water. पिछले दो हफ्तों से लगातार हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है। वो 613 MGD की जगह 513 MGD पानी दे रहे हैं, यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम दे रहे हैं। 1 मिलियन गैलन पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है, यानी जब हरियाणा की सरकार दिल्ली वालों का 100 एमजीडी पानी रोकती है तो दिल्ली के 28 लाख से ज़्यादा लोगों का पानी रुक जाता है। और यही कारण है कि आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। आपकी प्यास कैसे खत्म होगी, कैसे आपके हक का पानी आपको मिलेगा, इस सवाल को लेकर आतिशी बैठी हुई है। ये कोई अपनी लड़ाई के लिए नहीं बैठी, ये दिल्ली के करोड़ों लोगों की लड़ाई के लिए बैठी है। ये दिल्ली के उन घरों के लिए बैठी है जिनकी बाल्टी में पानी नहीं रहता, उन मासूम बच्चों के लिए बैठी है जो प्यासे इस भीषण गर्मी में पानी का संकट झेल रहे हैं, उन माताओं बहनों के लिए बैठी हैं जिनको पानी के लिए अपने घर से बाहर जाके लाइन में लगना पड़ता है।